दोस्तों बहुत से ऐसे योगासन होते हैं जो दिखने में बड़े सिमिलर होते हैं, एक तरीके के होते हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं और दोनों को करने का तरीका भी एकदम अलग अलग होता है। मैं बात कर रही हूँ पर्वतासन और अधोमुख स्वानासन। अगर इंग्लिश में इनके नाम की बात करें तो पर्वतासन को हम माउंटेन पोज के नाम से जानते हैं और अधोमुख स्वानासन को हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के नाम से जानते हैं। तो पर्वतासन यानी पर्वत के समान आकृति, अधोमुख स्वानासन यानी जैसे कुत्ते अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ना सामने की तरफ से, बस अधोमुख स्वानासन उसी तरीके से है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे इन दोनों पोस्चर्स को स्टेप बाय स्टेप करेक्ट टेक्निक से किस तरीके से करते हैं, इन दोनों पोस्चर्स में सिमिलैरिटी क्या है, बेनिफिट क्या है, साथ ही इन दोनों पोस्चर्स में एक्चुअली में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों आसनों को अगर आप करते हैं निरंतर तो आपको क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ तो ये मिलेगा कि आपकी बॉडी में मजबूती आएगी, यानी आपकी कलाइयाँ मजबूत होंगी, कुहनियाँ मजबूत होंगी, बाजू मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे और साथ ही कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। साथ ही इन दोनों अभ्यासों से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड लेंथन होने की वजह से और माउंटेन पोज में लेंदन होने की वजह से और अधोमुख श्वानासन में आर्च होने की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ये स्वस्थ रखता है, तो आपके तंत्रिका तंत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोनों ही पॉस्चर्स में आपका हेड डाउन है, यानी इन्वर्टेड पॉस्चर है, सेमी इन्वर्टेड पॉस्चर है, तो इससे क्या होगा, ये आपके हार्ट का फंक्शन, लंग्स के फंक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके चेहरे की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा जिससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो को प्रमोट करेगा, आपके आँख नाक कान और गले के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ, मस्तिष्क की तरफ इम्प्रूव होता है जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है और साथ ही इस आसन के अभ्यास से आपके शरीर में हार्मोन्स की जो गड़बड़ी है, क्योंकि सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं कंट्रोल तो आपके ब्रेन से ही होते हैं भले ही वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिक्रीट हो रहे हैं, तो हार्मोन्स की भी जो गड़बड़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही इस पोस्चर का जब आप अभ्यास करते हैं तो पूरे शरीर की फ्लेक्सी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ये दोनों पोस्चर। अब सिर्फ एक जो कुछ डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेंगे कि दोनों में आपके गर्दन की स्थिति कैसी होगी, कंधों की स्थिति कैसी होगी, स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति कैसी होगी, पैरों में कितना जो डिस्टेंस है वो होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो हमने ये तो सीख लिया कि इन दोनों पोस्चर्स के बेनिफिट क्या हैं, अब हम ये सीखेंगे कि इन दोनों पोस्चर्स को कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम वज्रासन की पोजीशन पे ऐसे बैठे हैं, दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए। पहले हम कर रहे हैं पर्वतासन का अभ्यास, माउंटेन पोज। तो दोनों पाम्स को ऐसे आपने अपने घुटने के ऊपर रखा है और फिर ऐसे दोनों पाम्स को ऐसे मैट पे रखते हुए अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं। अब देखें, इसमें ध्यान दें कि मेरे दोनों पैर के अंगूठे जो है ना वो जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपकी कलाई, आपकी कुहनी और आपका कंधा ये तीनों एक लाइन में हो, ऐसे आगे मत रख दीजिएगा, ऐसे है ना, और सामने देखिए और फिर धीरे से अपने पैरों को, दोनों पैर के जो अंगूठे हैं इनको टक कीजिए और अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर दीजिए। घुटनों को सीधा करने के बाद अपने सर को दोनों बाजुओं के बीच में लेके आइए ताकि पूरा का पूरा पर्वत के समान आपके शरीर की आकृति रहे, ऐसे इस तरीके से, ऐसे है ना, और आपका सर दोनों बाजुओं के बीच में है और आपकी जो बॉडी की पोजीशन है वो एक पर्वत की तरह है, इन्वर्टेड वी की तरह है। पेट पर आप अपने ध्यान लेके आए कि पेट पर आपका कंट्रोल है और साथ ही पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे की तरफ खिंचा हुआ है, यानी लेंदन है, ऐसे इस तरीके से। दोनों पैर की एड़ियां और अंगूठे दोनों जुड़े हुए हैं और इस पोस्चर को करते हुए आप
कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, ऐसे इस तरीके से, और फिर घुटने को ड्रॉप करने के बाद आराम से अपनी एड़ी पर बैठ जाएंगे और इस पोस्चर को फिर रिलीज कर देंगे। पर्वतासन, घुटनों को जोड़ा, दोनों पाम्स को मैट पर रखा, शोल्डर जितना फासला, दोनों हथेलियों के बीच में, एड़ी और अंगूठा जुड़ा हुआ, पैरों को टक किया एंड हिप को अप कर दिया और ऐसे सर, नजरें जो है सामने की तरफ रखी हुई है और सर दोनों हाथों के बीच में, ऐसे पूरा माउंटेन बन जाए। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको बताया पर्वत आसन का अभ्यास। अब मैं आपको बता रही हूं दूसरा आसन का अभ्यास, जिसका की नाम है अधोमुख स्वानासन। अब इस आसन को करने के लिए वापस से वज्रासन की पोजीशन पे बैठ गए और दोनों हाथों को वापस से ऐसे मैट पर रखा। अब इस वाले पोस्चर में दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर जितना फासला कर ले या अपने कंधों जितना फासला कर ले, बहुत ज्यादा फासला ना कीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में भी आप कमर जितना फासला कर लेंगे, ऐसे दोनों पैर के अंगूठों के बीच में भी कमर जितना या कंधे जितना फासला कर लेंगे। फिर उसके बाद धीरे से अपने पैर का जो पंजा है ना, अंगूठों को, टो को इस तरीके से टक करेंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपने घुटने को सीधा कर देंगे। दोनों अभ्यासों में आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, इनमें अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन हो। और फिर अब इसमें सर की पोजीशन देखिए, दोनों पैरों के बीच में फासला है ये ध्यान रखिएगा, और ये भी इन्वर्टेड वी की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि सामने देखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने सर को आप मैट की तरफ ले जाते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें। इस तरीके से कोशिश करें कि आप नाभि देखें, आपके पूरे के पूरे शोल्डर और स्पाइनल कॉर्ड पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। दोनों पैर घुटने के पीछे हैमस्ट्रिंग्स पर सीधे हैं, आपके दोनों हाथ और दोनों पैर मजबूती से आपकी योगा मैट पर आपने रखे हैं ऐसे। और जब आप इस आसन का अभ्यास करें ना, एक डिफरेंस देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे कितना बढ़िया आर्च, ऐसे ढीला कर दें पूरी स्पाइनल कॉर्ड को और कंधे जो है एक दूसरे के पास आ गए और आप अपनी नाभि की तरफ देख रहे हैं ऐसे। इस तरीके से ब्रीद करते रहेंगे यहाँ पे, इस पॉस्चर को भी 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर पॉस्चर को हम कर देंगे रिलीज। दोनों घुटनों के बीच में आप अपने कंधे जितना फासला कर लें, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं और दोनों पैरों के बीच में आपने कमर जितना फासला कर लिया, टो को टक किया एंड धीरे से सर को बेली की तरफ ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएं और स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करें। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम करेंगे पर्वतासन और अधोमुख श्वानासन। अब एक एक करके हम इनमें जो डिफरेंसेस हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम अपने पैरों की पोजीशन जो है उसको बताएंगे। पैर की पोजीशन पर्वतासन में जुड़े हुए होते हैं और अधोमुख श्वानासन में एक दूसरे से दूर होते हैं। एक बार करके बताती हूँ। पर्वतासन, घुटनों को जोड़ा, दोनों पाम्स को मैट पर रखा, शोल्डर जितना फासला, दोनों हथेलियों के बीच में, एड़ी और अंगूठा जुड़ा हुआ, पैरों को टक किया एंड हिप को अप कर दिया और दोनों हाथों के बीच में। ये हो गया पर्वतासन में पैरों की पोजीशन और ये हो गई अधोमुख श्वानासन में पैरों की पोजीशन। इस तरीके से तो पैरों की पोजीशन आपने देख ली, आपने समझ लिया कि आपके पैर पर्वतासन में जुड़े हुए होंगे, अधोमुख श्वानासन में कम से कम कमर जितना फासला होगा। अब दूसरे अंतर की बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो जब आप पर्वतासन का अभ्यास करेंगे तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी होगी और लेंथन यानी सामने की तरफ खींची हुई होगी, और अधोमुख श्वानासन में स्पाइनल कॉर्ड में हल्का सा आर्च होगा। किस तरीके से जरा देखिए, वापस से टेबल टॉप पोजीशन पे, पहले पर्वत आसन देखिए। तो पर्वत आसन में पैरों को जोड़ा और स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी है और सर जो है वो दोनों बाजुओं के बीच में है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में
किसी भी तरीके का आर्क नहीं है। तो दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला करने के बाद हिप को ऊपर ऊपर, जो हिप है हमेशा आपका ऊपर की तरफ लिफ्टेड हो, और स्पाइनल कॉर्ड में एक बहुत खूबसूरत सा आर्च देते हुए इस तरीके से, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में आर्च आ गई ऐसे, और अपनी नाभि की तरफ देखेंगे ऐसे इस तरीके से। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस बता रही हूं नेक का, गर्दन का। तो जब आप पर्वतासन का अभ्यास करते हैं तो इसमें आपकी नेक जो है वो रिलैक्स रहती है, और आपका सर इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में नेक रिलैक्स होती है। लेकिन वहीं जब आप, तो दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला, स्पाइनल कॉर्ड आर्च कर ली, और इसमें गर्दन अंदर की तरफ ऐसे, नाभि की तरफ देखना है ना, तो गर्दन अंदर की तरफ ऐसे। अब हम अगला डिफरेंस देखेंगे, जो अंतर है वो हमारे कंधों का है। तो जब आप पर्वतासन का अभ्यास करते हैं तो इसमें कंधे आपके रिलैक्स होते हैं और कान कंधे से दूर होंगे दोनों पोस्चर्स में। लेकिन जब आप अधोमुख श्वानासन करते हैं तो इसमें शोल्डर्स अंदर की तरफ होंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ झुकी हुई है ना। तो जब आप पर्वतासन का अभ्यास करते हैं तो इस तरीके से कंधे रिलैक्स है एकदम ऐसे, कंधे रिलैक्स है, नजरें सामने की तरफ। और वहीं पर्वतासन का जब अभ्यास करते हैं तो पैरों के बीच में फासला किया और कंधे देखिए, शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आएंगी ऐसे, इस ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पर्वतासन में कंधे एकदम रिलैक्स है, शोल्डर रिलैक्स है, और अधोमुख श्वानासन में इस तरीके से शोल्डर्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे ऐसे। अब आपके नजरों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, यानी गेज किस तरीके से होगा, दृष्टि का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देख रहे होंगे शुरू शुरू में कितना आसान पोस्चर, लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस हैं। तो जो आप पर्वतासन में आपकी नजरों की जो दृष्टि है वो होगी सामने की तरफ, और जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वान आसन है उसमें आपकी दृष्टि होगी आपकी नाभि की तरफ। और एक चीज और, इन दोनों अभ्यासों में आपकी ब्रीदिंग कैसी होगी, तो ब्रीदिंग आप जो करें गहरी करें, गहरी लंबी सांस नाक से लें और नाक से सांस छोड़ें। कोशिश करें जो छूटने वाली सांस है उसको ज्यादा देर तक छोड़ें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें इस तरीके से। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया पर्वतासन और अधोमुख श्वानासन में जो सिमिलैरिटी है और जो डिफरेंसेस हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझाया आपको। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दिया होगा, और साथ ही इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअली में जानने के इच्छुक हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक अभ्यास की निरंतरता, कंसिस्टेंसी बना के रखें, हर दिन योग का अभ्यास करें। नमस्ते।